उदाहरण 8, बहुपद पी एक्स बराबर 3x2 ऋण 8x-11 तथा बहुपद क्यू एक्स बराबर ऋण 4x2-15 के योगफल में से बहुपद आर एक्स बराबर 2x2 ऋण 3x-1 को घटाइए एवं प्राप्त हुए बहुपद की घात बताइए। इसे हल करने के लिए पहले हम px तथा qx का योग करते हैं। यहां सबसे पहले px धन qx बराबर 3x2 ऋण 8x-11 और दूसरा बहुपद हमारा है ऋण 4x2-15। इसे हम योग करेंगे। अब x के वर्ग का गुणांक 3 और ऋण 4 का योग करने पर हमें ऋण 1 प्राप्त होगा, जिसे हम लिखेंगे ऋण x2 ऋण 8x-11-15 का योग 26 होगा। अब हमें ये जो बहुपद है ऋण x2 ऋण 8x-26 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बहुपद px धन qx ऋण rx को घटाएंगे। इसके लिए जो बहुपद योग में हमें प्राप्त हुआ ऋण x2 ऋण 8x-26 को rx बहुपद से घटाने के लिए rx बहुपद 2x2 ऋण 3x-1 को घटाएंगे। घटाने के लिए जैसे हम जानते हैं कि गुणांकों का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो यहां धन 2 ऋण 2 बनेगा, ऋण 3 धन 3 और ऋण 1 धन 1 होगा। अब हम इनके गुणांकों को चर के गुणांकों का योग करेंगे। यहां ऋण 1 ऋण 2 उभयनिष्ठ चरांक x2 धन ऋण 8 धन 3 उभयनिष्ठ चर x धन स्थिरांक 26 धन 1 प्राप्त होगा। अब हम ऋण 1 ऋण 2 का योग हमें ऋण 3 x2 ऋण 8 धन 3 बराबर ऋण 5 x धन 26 धन 1 बराबर 27 प्राप्त होगा। इस बहुपद में x चरांक का सबसे बड़ा घात 2 है, अतः इस बहुपद का घात 2 होगा।